तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो कनाडा वर्सेस नेपाल के बीच दो वनडे मैचेस की सीरीज खेली जानी थी ना, उसका भाई जो दूसरा वनडे मैच है जो कि आज खेला जाएगा। तो भाई इस मैच की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कम्प्लीट देख लीजिएगा। हालांकि कल जो पहला वनडे मैच खेला जाना था ना, वो भाई बिना बॉल फेंके बिना टॉस के ही नो रिजल्ट में अबंडेंट कर दिया गया, यानी कि भाई रद्द कर दिया गया। रीजन क्या था, क्योंकि भाई बारिश इतनी तेज आ रही थी। और आज भी भाई सेम ग्राउंड किंग सिटी पर ही मैच खेला जा रहा है, लेकिन यहां पर भाई थोड़ी सी हमारे लिए गुड न्यूज है कि आज वेदर फोरकास्ट कल के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि अगर भाई यहां पर मैच होता है ना, तो यह मैच हमारे लिए बहुत ही शानदार रहेगा। और आज भी मैं यही बोलूंगा, अगर भाई मैच होता है ना, तो आपको गारंटी दे रहा हूं आप इस मैच में काफी बड़ी जैकपॉट विनिंग यहां से करने वाले हो। सबसे पहले तो भाई देखिए आपको एक काम करना है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे ना, तो वीडियो को लाइक करके जाना भाई, क्योंकि आपका एक एक लाइक है ना काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को प्लीज यार लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं मैच के बारे में। तो यहां पर एक एक प्लेयर के मैंने स्टेट्स वगैरह सारी चीज निकाल रखे हैं, लेकिन उससे पहले भाई एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी मैं जो भी टीम बनाऊंगा ना, वो सिर्फ एक आप डेमो टीम मान सकते हो, क्योंकि फाइनल टीम मेरी जो भी रहेगी ना, वो आपको मिलेगी भाई आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर आपको ज्वाइन कर लेना है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, अभी के अभी जाइए और भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जो फर्स्ट कमेंट दिखेगा ना आपको, पिंड कमेंट, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से आपको ज्वाइन कर लेना है। अब चलिए भाई बात करते हैं यहां पर दोनों टीम्स के स्टैट्स के बारे में। तो स्टैट्स में अभी आपको बता देता हूं, सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर भाई नेपाल की टीम है ना, ये इस मैच में भाई 70 से 80% आप मान सकते हो कि फेवरेट उतरेंगे इस मैच को जीतने के। हालांकि कनाडा की टीम भी पलटवार कर सकती है, लेकिन भाई आप मान सकते हो कि 70% तो आप मिनिमम चांस देके चलोगे कि यहाँ पर नेपाल की टीम ही विन करेगी। और इसीलिए भाई जो हमारी टीम भी रहेगी ना, वो भाई 7-4 के रेशो में मैं लेकर जाऊँगा, 7-4 इन फेवर ऑफ नेपाल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर आप चाहो तो मैं आपको प्लेयर बता दूंगा, आप चाहो ना तो आप एक आधा प्लेयर यहाँ से कनाडा का एक्स्ट्रा ले सकते हो, यानी कि 6-5 का भी आप रेशो बना सकते हो, वो रेशो भी बुरा नहीं रहेगा। चलिए अब बात करते हैं भाई यहाँ पर पहले स्टेट्स के बारे में, उसके बाद भाई मैं अभी आपको डेमो टीम बना के दिखा दूंगा। कनाडा की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको दिखेगा रेयान पठान, 5 मैच में 151 रन है, मेरे हिसाब से आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। रविंद्र, इसके अलावा रविंद्र पाल सिंह की बात करेंगे भाई, बट बाद में करेंगे। मैथ्यू स्पोर्ट्स की बात करें तो अगर खेलता तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ओपनिंग करता नजर आएगा और भाई बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, मतलब टिक के खेलने वाला प्लेयर है, और भाई मतलब टाइम आने पर अच्छी हार्ड हिटिंग भी कर लेता है, बट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। 5 मैच में 194 रन इन्होंने बना रखे। नवनीत दालीवाल आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, इवन भाई आपके लिए यहां से अगर आप ग्रैंड लीग के लिए सोच रहे हो कि कनाडा का कोई प्लेयर जिसे हम सीवीसी बनाएंगे, तो उसमें भाई आप नवनीत दालीवाल का नाम जरूर से अपने टीम में रखोगे ही रखोगे। रीजन क्या है, क्योंकि भाई प्लेयर ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग करेगा या वन डाउन बैटिंग करता नजर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो जरूर से हम इसे अपनी टीम में लेकर चलेंगे। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहां पर जो आगे प्लेयर है रविंद्र पाल सिंह। रविंद्र पाल सिंह की बात करेंगे तो भाई बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के लिए जाना जाता है। हालांकि भाई इनके वनडे में मतलब कुछ खास रिकॉर्ड्स है नहीं, क्योंकि भाई आपको पता है कनाडा की टीम इतना वनडे मैचेस खेलती भी नहीं है, तो ज्यादा कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। हालांकि क्लब मैचेस में काफी अच्छी गेंदबाजी करवाता है और अच्छा खासा मतलब विकेट निकाल लेता है, बट यहां पर भाई देखते क्या करता है क्या नहीं करता, बट मेरे हिसाब से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। यहां पर अगर अभी बात करें तो जो दो प्लेयर मेरे को अच्छे लगे जो बिल्कुल हमारी टीम में रहेंगे कनाडा की तरफ से, वो भाई यहां से ये दोनों रहेंगे। एक भाई आप रियान पठान और मैथ्यू स्पोर्ट्स में भी रख सकते हैं, तो यानी कि टॉप 4 में से 3 प्लेयर तो हमारे यहीं से आ गए। जुनैद सिद्दीकी की बात करें 7 मैच में 160 रन ट्राई कर सकते हो, जीएल मिनी जीएल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हमजा तारिक अगेन भाई ठीक ठाक ही प्लेयर है, एवरेज से रिकॉर्ड है, 14 मैच में 105 रन है, जीएल मिनी जीएल में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साद बिन जाफर की बात करें तो आप देख सकते हो 10 मैच में 13 विकेट इन्होंने निकाल रखे, अगेन एक बहुत ही शानदार प्लेयर रहेगा, 100% आपकी टीम में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो आर्ष ठाकेर को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो, एक बहुत ही शानदार प्लेयर है, 4 मैच में 4 विकेट इन्होंने निकाल रखे। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें कलीम साना ने 5 मैच में 5 विकेट निकाले। इसके अलावा जतिंदर पाल मथारू की बात करें तो इन्हें आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा दिलोन हेलिंगर की बात करें तो भाई 11 मैच में 8 विकेट इन्होंने निकाल रखे, अगेन इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से हम इसे अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए जो 4 प्लेयर मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे ज्यादा, 5 प्लेयर मैं आपको बताऊंगा, उनमें से 4 आप ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। यहां से भाई देखिए
नवनीत दानीवाल, रविंद्र पाल सिंह और इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो तीन प्लेयर यहाँ से हो गए आपके लिए। नीचे अगर आप आओगे तो आपके लिए यहाँ से भाई साद बिन जाफर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, चार प्लेयर, और यहाँ से भाई पांचवा प्लेयर की बात करें तो वो आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब नेपाल की यहाँ पर बात करें तो नेपाल की टीम भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले कुशल बुरथर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाई 16 मैच में 573 रन है, गजब का प्लेयर है, गजब के रिकॉर्ड्स है और इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इवन ग्रैंड लीग में कैप्टनसी का अच्छा खासा ऑप्शन रहेगा अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है नेपाल की। आसिफ शेख की बात करें 18 मैच में 444 रन है, बहुत ही शानदार प्लेयर, 100% आपकी टीम में रहेगा। कुशल माला की बात करें 15 मैच में 183 रन है, 6 विकेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह आर्य की बात करें तो यहाँ पर भाई 39 मैच में 1033 रन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर। इवन स्मॉल लीग में कैप्टनसी का सबसे मतलब ओपी जो प्लेयर होता है ना, सबसे टॉप का प्लेयर, वो भाई आपके लिए रहेगा कैप्टनसी में। लोकेश बाम की बात करें 8 मैच में 66 रन है, इसके अलावा भाई इन्हें आप जीएल मिनी जेल पे ट्राई कीजिए। ज्ञानेंद्र माला 32 मैच में 468 रन, अगेन भाई जीएल मिनी जेल में ट्राई कीजिएगा। आरिफ शेख को आप ट्राई कर सकते हो, 24 मैच में 297 रन, इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे को लग रहा है, यहाँ से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने ही वाला है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर संदीप लमिछाने की, बहुत ही शानदार प्लेयर है संदीप लमिछाने, आपको पता होगा भाई काफ़ी नामी गामी प्लेयर है। नेपाल की टीम अगर जानी जाती है तो भाई वो संदीप के नाम से जानी जाती है, सीवीसी का बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, तो आप इसे जरूर से अपनी टीम में सीवीसी रख सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ से अगर बात करें तो अविनाश बोरा आपको दिखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, 30 मैच में 35 विकेट इन्होंने निकाल रखे। जितेंद्र मुखिया की बात करें तो भाई 10 मैच में 10 विकेट इन्होंने निकाल रखे, अगेन एक शानदार प्लेयर रहेंगे। गुलशन झा की बात करें तो 1 मैच में 1 विकेट है, जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मॉल लीग में आप इसे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, बट जीएल में आप इसे बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। अब यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर में मार्क करूँ, कुशल बुरथर, आसिफ शेख, इसके अलावा दीपेंद्र सिंह आर्य 3 प्लेयर, आरिफ शेख 4 प्लेयर, इसके अलावा संदीप लमिछाना 5, इसके अलावा जो अविनाश बोरा 6, और यहाँ से भाई जितेंद्र मुखरिया। जितेंद्र मुखरिया की जगह वहाँ पर भाई मैं आपको बताऊँगा एक करण केसीबी प्लेयर है, उसके स्टेट्स में यहाँ पर नोट डाउन करना भूलगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो भाई अभी के लिए मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ आसिफ शेख को। वहीं अगर बात करें, अगर आप चाहो तो आप यहाँ से कोई जैसे बी भंडारी हो गए, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ से अगर बात करें कुशल बुरथल 100% हमारी टीम में रहेगा, इसके अलावा जो रैन पठान है इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। वहीं अगर बात करें आरोन जॉनसन को, तो अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं भाई इसे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाला। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर भाई आप आसिफ सिंह को ट्राई कर सकते हो, या फिर आर कुमार पोडोल को भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही शानदार प्लेयर है ये भी आपके लिए, ठीक है। तो ये इन दोनों में से कोई एक को आपको ट्राई करना, मैं अभी के लिए भाई आसिफ शेख के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो भाई सॉरी ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, साद बिन जाफर, इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो देवेंद्र सिंह आर्य, और यहाँ से भाई अगर बात करें तो कैरव शर्मा भाई मैं ट्राई नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेरी तरफ से अभी के लिए बस ये दो ही प्लेयर रहेंगे यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में। गेंदबाजी सेक्शन में आ जाइए, यहाँ पर भाई आपके लिए अर्श ठाकुर इंपॉर्टेंट रहेंगे, संदीप लमिछानी, सोमपाल कामी इंपॉर्टेंट रहेंगे, करण केसी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जो एक प्लेयर आपको ट्राई करना है ना, वो भाई आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो डी एलियंगर को, ठीक है। तो ये भाई मेरे हिसाब से अभी के लिए जो हमारी टीम रहेगी वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। अगर इस टीम में कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब जीएल की बात कर लेते हैं, यहां पर भाई जीएल लगी हुई है 70 लाख रुपए की, तो अगर आपको वहां पर अच्छी खासी रैंक लानी है तो मैं आपको 5 प्लेयर ऐसे बताऊंगा जिनमें भाई आप जीएल मिनी जीएल में सीवीसी रोटेट कर करके अगर 20 टीम बनाते हो तो आप 100% प्रॉफिट में ही रहोगे। सोमपाल कामी, यहां से भाई मैं अभी आपको एक बार प्लेयर बता देता हूं पहले, ठीक है। यहां से भाई बात करें देवेंद्र सिंह आर्य, करण केसी, संदीप लमिछाने, सोमपाल कामी, और यहां से भाई आप चाहो तो साद बिन जाफर को ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई इसकी जगह पर भाई आप यहां पर कुशल बुरथल को ले सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर आपको लेना है, बाकी 4 प्लेयर मैंने आपको बता दिया, इन्हीं को आप रोटेट कर करके अगर 20 टीम बना देते हो ना, तो ये मेरी गारंटी है आपकी टीम को हराने वाला कोई भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे स्मॉल लीग के सीवीसी रहेंगे, वहां पर 3 ऑप्शन है, देवेंद्र सिंह आर्य का ऑप्शन है, इसके अलावा करण केसी और संदीप लमिछाने, ये 3 ऑप्शन आपको यहां से दिखने वाले। अभी के लिए मैं वीसी की बात करें तो संदीप लमिछाने को लेके चलूंगा। संदीप लमिछाने को कब लेके चलूंगा, जब भाई सेकंड इनिंग में नेपाल की बॉलिंग आएगी, फर्स्ट इनिंग बोलिंग आते तो भाई करण केसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैप्टन की बात करें तो भाई ऊपर से देवेंद्र सिंह आर्य 100% हमारे कैप्टन रहने वाले। अभी के लिए जो मेरी टीम है वो मैं सेव कर चुका हूं, और वहां से अगर टीम के प्रीव्यू की बात करें तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की टीम भाई आपको देखने को मिलेगी। अगर इस टीम में कुछ भी चेंजमेंट होता है ना तो उसकी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से जरूर आपको ज्वाइन कर लेना है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।